हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम रोम्स क्या होती है और आपको उनको अपने फ़ोन में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए तो कस्टम रोम्स का मतलब होता है जैसे आपकी स्टॉक रोम होती है जैसे आपके पास एम का फ़ोन है तो उसकी स्टॉक रोम मी यू आई हुई तो वो मी ओ आई होती है जैसे एंड्रॉयड होता है जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है उसके ऊपर कोई स्क्रीन चढ़ा के कंपनी वाले फिर अपने फ़ोन में डालते हैं तो कई बार उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है किसी को पसंद भी नहीं आती कई बार बहुत हैवी होती है वो और ऐप्स वगैरह भी कई बेकार से होते हैं उनके अंदर जो ब्लूटवेयर कहते हैं जिनको हम तो वो चाहिए नहीं होता तो भी यूज़र उसके अंदर कस्टम रोम फ्लैश कर लेते हैं और कुछ समय बाद जैसे दो साल बाद या तीन साल बाद फ़ोन के अंदर अपडेट आना बंद हो जाते हैं तो उसके अंदर ना कोई एंड्रॉयड का अपडेट आता है जो वर्जन होता है एंड्रॉयड के ना कोई सिक्योरिटी अपडेट आता है तो उसके बाद कई लोग उसको उसके अंदर कस्टम में वो कर लेते हैं इंस्टॉल कि उनको अपडेट भी नया मिल जाए जैसे आपका एंड्रॉयड टेन पे फोन लास्ट अपडेट आया है उसके बाद इलेवन का नहीं आएगा तो कस्टम रोम्स का इलेवन के इलेवन का भी आ सकता है ट्वेल्व का भी अपडेट आ सकता है तो ये फ़ायदा होता है कस्टम रोम्स का और आपको सिक्योरिटी अपडेट सारे मिलेंगे तो अब मैं बताता हूँ कोई कस्टम रोम आपको फ्लैश करनी नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो जो ज़्यादा टेक्की पर्सन है जिसको इसके बारे में नॉलेज है ये बूट लॉकर क्या होता है उसको अनलॉक कैसे करना है टी डब्ल्यू आर पी रिकवरी कैसे डालते हैं इस सारी चीज़ों की नॉलेज है तो वही करें क्योंकि इस आप करोगे तो आपका फ़ोन ख़राब भी हो सकता है ब्रिक हो सकता है तो ब्रिक भी दो तरह के होते हैं एक सॉफ्टवर्क एक हार्ड ब्रिक तो सॉफ्ट ब्रिक में होता है कि आपका फ़ोन बस ऑन तो हो जाता पर वो सॉफ्टवेयर के अंदर लोड नहीं होता तो उसकी कुछ फाइलें मिस हो जाती है इसलिए नहीं होता और हार्ड ब्रिक होते ही बिल्कुल इसका मदरबोर्ड ही ख़राब हो गया तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है और एक आप कस्टम रोम खोलोगे डालोगे तो पहले आपको बूट लॉकर अनलॉक करना पड़ेगा जिसके अंदर वारंटी अवॉइड हो जाती है तो उसके बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वारंटी कवर नहीं होगी तो मेरे हिसाब से आपने कस्टमर को फ्लैश करनी है आपको सारी नॉलेज है तो आपको दो दो से तीन साल बाद उसके बाद ही डालनी चाहिए जब आपको पता कंपनी के अपडेट आने बिल्कुल ही बंद हो गए क्योंकि जब तक तो कंपनी का अपडेट आ रहा है तो तब तक मेरे हिसाब से आपको पंगा नहीं लेना चाहिए जो स्टॉक रूम है उसको ही चलाना चाहिए और जब भी जब उसके अपडेट आने बंद हो जाए तभी उसके अंदर आपको कस्टम रोम डाल लेनी चाहिए तो मेरे हिसाब से अभी तक कस्टम रोम जो मैंने अभी तक एक चलाई है पिक्सल एक्सपीरियंस और वो अच्छी है पूरी मतलब कि कोई फालतू के ऐप्स नहीं है और सिर्फ गूगल के भी इंपॉर्टेंट ऐप्स है जब बाकी जो आपको ऐप चाहिए डाउनलोड कर सकते हो और फीचर आप उसके अंदर सारे मिलेंगे आपको तो आज की वीडियो के लिए इतनी लाइक करिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपको कोई चीज़ नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए